नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ब्लॉग पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम खड़े हैं ओंकारेश्वर में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पार्किंग से होता हुआ आता है और ये रास्ता मंदिर की साइड जाता है। हम अभी नर्मदा जी के इस साइड खड़े हैं और ये जो आप झूला पुल देख रहे हैं, जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, इस झूले पुल से, ये नया वाला झूला पुल है, इससे उस साइड जाया जा सकता है, मंदिर वाली साइड। हम लेकिन अभी नाव में बैठ के जाएंगे और आज रंग पंचमी का दिन है। आज हमारा यहाँ का प्रोग्राम बना था, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त होके चल रहे हैं। आज का दिन ही ऐसा है, छुट्टी वाला। कुछ दुकानें खुली है, कुछ दुकानें बंद है। यहाँ पे हम घाट की साइड जा रहे हैं, घाट पे जाएंगे। घाट पे जाने के बाद नाव में बैठ के नर्मदा जी को पार करेंगे। ये देखिए, कुछ दुकानें बंद है आज, कुछ दुकानें खुली है। ये शिवलिंग, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको पुरानी वीडियो में, ओखलेश्वर वाली वीडियो में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नर्मदा जी के जो शिवलिंग होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। अधिकतर मंदिरों में स्थापना होती है तो यहीं से वो शिवलिंग लेके जाते हैं और स्थापना करते हैं। आज हमारा ओंकारेश्वर आने का एकदम से प्लान जमा था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, नौका विहार करेंगे और उसके बाद मंदिर दर्शन करवाएंगे आपको। बने रहिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है ये। अभी कुछ दृश्य आपको बहुत अच्छे लगेंगे आगे चल के, क्योंकि आज पंचमी का दिन है और पंचमी का तो दिन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना मस्ती भरा होता है। आज आपका बचपन बाहर आ जाता है, आप बिल्कुल बचपन में चले जाते हैं। ये देखिए, अब हम घाट के बिल्कुल पास में आ गए हैं और अभी एक ब्रिज में दिखाऊंगा आपको। ये ब्रिज पैदल ब्रिज बन रहा है, जो घाट के पास में जो रास्ते हैं उनका, जो भीड़ भाड़ होती है बड़े बड़े त्योहारों पे, उसको कम करने के लिए एक और बनाया हुआ है। अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे सभी जगह आपको शिवलिंग छोटे छोटे, बड़े बड़े, सभी रूपों में आपको मिलेंगे। महत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ के शिवलिंग का। आप आखिरी तक दर्शन करने तक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा मंदिर भी बताएंगे और आपको दर्शन भी करवाएंगे। अब हम घाट पे पहुँचने ही वाले हैं, बिल्कुल पास में आ गया है घाट। और यहाँ पे सभी दुकानें आज अधिकतर बंद है। एक ये रास्ता भी घाट पे जाता है, एक ये रास्ता उसी घाट पे जाता है, दो रास्ते। और यहाँ देखो मस्तियाँ कैसी चल रही है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे सब होली खेलने के बाद मजे कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा दृश्य है। बिल्कुल सामने जो आपको लेफ्ट साइड में जो जाली जैसी दिख रही है, वो जाली नहीं है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो मंदिर के पास में बनाई है अभी। और यहाँ चल रहा है इनका डांस। ये देखिए, वो बिल्कुल सामने मंदिर दिख रहा है और ये वही वाला पुल जिसका मैंने बताया था। अब हम चलेंगे नाव में बैठ के उस साइड। ये वाला जो है, जो दिख रहा है ब्रिज, ये नया वाला ब्रिज है नर्मदा जी को पार करने के लिए। ये देखिए, ये बोतल देख के अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। फिर एक बार वही संदेश दूंगा मैं कि थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखें, प्रकृति को बचा के रखना है। प्रकृति है तो हम हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, प्लास्टिक का उपयोग करिए लेकिन उसको सही जगह पे डालिए, कचरा सही जगह पे डालिए। बस यही आपसे निवेदन है, अधिकतर मैं बोलता रहता हूँ। अब हम बैठ गए हैं नाव में, अब चल रहे हैं हम उस पार। ये जो सामने देख रहे हैं आप ब्रिज है नया वाला, बिल्कुल सामने आप मंदिर देख रहे हैं। और अभी एक और ब्रिज आपको दिखाएंगे, वो वाला। ये जो ब्रिज दिख रहा है ये पुराना वाला है, पहले ये एकमात्र पुराना ब्रिज था। वहाँ पे जाके और उसको पार करके और फिर मंदिर तक आना होता था, या तो आप इधर से नाव के द्वारा पूरी नर्मदा जी को पार करके जा सकते थे। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको नया वाला, इसके बिल्कुल पीछे आप देखेंगे
तो आपको डैम दिखेगा। ये मंदिर है, यहाँ पे नीचे भैया हमें नाव वाले भैया छोड़ देंगे और यहाँ से फिर दर्शन के लिए चलेंगे। नर्मदा जी जीवनदायिनी नदी है और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपको गंगा में जो स्नान होता है उतना पुण्य मिल जाता है केवल दर्शन मात्र से। तो नर्मदा जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये ज्योतिर्लिंग है इंदौर से करीब 80 किलोमीटर और ओंकारेश्वर बोला जाता है इन्हें। ज्योतिर्लिंग में चौथा स्नान स्थान आता है इनका और एक ज्योतिर्लिंग इंदौर से 60 किलोमीटर है महाकालेश्वर। जो भी आसपास रहते हैं सभी जानते हैं इस बात को, इंदौर के पास में दो ज्योतिर्लिंग है। आप इंदौर आए तो यहाँ दर्शन जरूर करिए। ये हम घाट के इस साइड आ गए हैं मंदिर वाली साइड कि भैया अभी मछलियों के लिए दाना डाल रहे हैं। मछलियाँ इस तरफ कम आती है नाव के चलने की वजह से, फिर भी ये जब दाना थोड़ा सा आगे चला जाता है फिर मछलियाँ खा लेती है। अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। अब वापस से चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। उस साइड हम नीचे उतर के आए थे, ये पूरा घाट दिख रहा है आपको। देखिए बस अब आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। अब यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा आपको मंदिर तक। मंदिर का जो एंट्रेंस है, दुकानें इधर भी है इधर, लेकिन प्रसाद की दुकानें ज़्यादा है। कुछ लेमन सोडा वगैरह आपको पीना हो तो आप पी सकते हैं। एक और बात बता दूं कि जो निमाड़ है ये निमाड़ में स्थित है और निमाड़ में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो जब इंदौर से कोई इधर आता है तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि इंदौर है मालवा पठार पर स्थित है। इंदौर ऊपर की साइड है, थोड़ा सा इंदौर का लेवल ऊपर है तो वहाँ पर गर्मी कम होती है, लेकिन इधर आके बहुत ज़्यादा होती है। ये हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से ऊपर गए तो हमें मालूम पड़ा कि अभी वहाँ पे भोलेनाथ जी का श्रृंगार चल रहा है, तो करीब एक घंटे की वेटिंग के बाद, ये देखिए ये जगह पूरी खाली दिख रही है आपको, हमने यहाँ पे एक घंटे वेटिंग करी, उसके बाद हमें दर्शन हुए। भीड़ काफ़ी हो गई थी, उम्मीद नहीं थी कि आज पंचमी के दिन इतनी भीड़ होगी, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये देखिए वो नीचे से हम आए थे और ये इतना ज़्यादा पूरा खचाखच भर गया है भीड़ से। ये देखिए अभी भी रास्ता रुका हुआ ही है, अब धीरे धीरे ये चलना शुरू हुआ है। नीचे तक आप देख सकते हैं, नीचे तक सभी जगह श्रद्धालु आ चुके हैं और अब दर्शन वापस खुल चुके हैं। एक घंटे बाद अब हम दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्कुल सामने वाला एंट्रेंस है उसके अलावा साइड से भी शुरू कर दिया था दर्शन, गर्भगृह में जाने के लिए रास्ता, तो हम साइड वाले रास्ते से गए थे। जैसे महाकाल में पूरा घूम के जाना होता है ऐसे यहाँ पे भी व्यवस्था की हुई है, व्यवस्था अच्छी है। थोड़ा सा सफाई यहाँ पे और प्रशासन ध्यान देते तो बहुत अच्छा हो, प्रशासन के साथ साथ खासकर श्रद्धालु, क्योंकि आप आते हैं गंदगी हमारी वजह से ही होती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम भी ध्यान रखें उस बात का तो प्रशासन को इतनी तकलीफ नहीं होगी। ये नंदी जी है, बिल्कुल सामने गर्भगृह में शिव जी विराजमान है शिवलिंग के रूप में। यहीं पे पास में हनुमान जी का मंदिर भी है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करिए। ये मंदिर के साइड वाले हिस्से से हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। कार्विंग बहुत अच्छी की हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। बहुत सारी पुरानी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, ये देखिए ये बहुत पुरानी मूर्ति है। और आगे जाके आपको दर्शन करवाते हैं, आगे जाके और भी ऐसी मूर्तियाँ दिखेगी आपको। ये अब हम गर्भगृह की ओर जा रहे हैं,
ये साइड से एक रास्ता है। बहुत धीरे धीरे दर्शन हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे आ चुके हैं। ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पुरानी मूर्ति है ये। ये सब पहले खुले में हुआ करती थी, लेकिन जब मंदिर का विस्तार हुआ तो ये सब मंदिर के अंदर की साइड आ गई है। ये देखिए बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, गर्भगृह में हम पहुंच गए। ये राइट साइड से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अब आपको दर्शन करवाते हैं। ये पूरी नक्काशी की हुई है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। बस अब आपको दर्शन करवाने वाले हैं हम। ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसके लिए हमने वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं की। ये हम अब वापस से इस साइड आ चुके हैं। ये हम अब जो नया वाला ब्रिज है वहाँ पे है। ये देखिए आप आते हैं ऐसी जगह पे तो लोकल फूड जो होता है, लोकल जो आपका इस टाइप के जैसे गन्ने का रस है, नींबू की शिकंजी है, ये आप पिए, इनको सपोर्ट करें क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। कोल्ड ड्रिंक आपको हर जगह मिलती है, इन चीज़ों का आनंद बहुत अच्छा है और इनसे ताजगी भी बहुत जल्दी मिलती है और पानी की कमी भी नहीं होती है शरीर में। ये देखिए आप इस साइड से व्यू देख सकते हैं, ये नया वाला ब्रिज है। इसके बाद में पुराना वाला ब्रिज हल्का सा दिख रहा है आपको। ये पार्किंग के वहाँ का घाट है और ये डैम दिख रहा है आपको, देखिए। बस दोस्तों अब घर जाने का समय हो गया है, इसके लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर करिए। अगली बार आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं, जल्दी वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, आपका दिन शुभ हो।